कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में जारी जंग के बीच अमेरिका ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को एक हफ्ते के भीतर ही डिपोर्ट कर दिया जाए। ट्रंप प्रशासन ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि ऐसा ना करने वाले देशों को नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप प्रशासन के इस फरमान से भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय अवैध तरीके से रह रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारतीय नागरिक चौथा सबसे बड़ा अवैध प्रवासी समूह है। इनकी कुल संख्या अमेरिका में तकरीबन 4,70,000 है। इतनी बड़ी अवैध आबादी को वापस बुलाना ऐसे समय में बेहद मुश्किल है जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर ट्रंप प्रशासन अपना फैसला नहीं बदलता है या भारत इंटरनेशनल ट्रैवल बैन नहीं हटाता है तो आने वाले समय में भारतीयों को मिलने वाले वीजा में जबरदस्त कटौती की जा सकती है। अब भारत सरकार ट्रंप सरकार को समझाने में लगी है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू होते ही वो अवैध भारतीयों का डिपोर्टेशन शुरू करेगी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 के बाद से अमेरिका में अवैध भारतीयों की संख्या में 75% का उछाल आया है। अमेरिका में सबसे ज्यादा घुसपैठ उसके पड़ोसी देशों मेक्सिको, एल साल्वाडोर और ग्वातेमाला जैसे देशों से होती है, जबकि भारतीय नागरिक तकरीबन 15,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। पिछले साल अक्टूबर में तकरीबन 300 भारतीयों को अमेरिका मेक्सिको की सीमा से पकड़कर वापस दिल्ली डिपोर्ट किया गया था। इनमें ज्यादातर लोग हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों से थे जो ट्रैवल एजेंट्स को लाखों की रकम चुकाकर बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल के मुताबिक साल 2018 में लगभग 9,000 भारतीय नागरिकों को अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर पकड़ा गया जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में भारतीय नागरिकों की घुसपैठ हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 2015 में लगभग 2700 भारतीय नागरिक मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए थे, लेकिन 2018 में ये संख्या बढ़कर 8,977 हो गई। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।